कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह पर जागेश्वर राय के नेतृत्व में गए हजारों लोग। महुआ से रेणु सिंह की रिपोर्ट। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जदयू द्वारा आयोजित कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह के मौके पर वैशाली जिला से पार्टी नेता जागेश्वर राय के नेतृत्व में हजारों लोग पटना गए। कितने लोग जा रहे हैं? बुधवार की अहले सुबह से ही गाड़ियों की काफिला खुलने लगी जो दोपहर तक खुलती रही। महुआ से तो पटना जाने वालों की हो रही। पटना जाने वाले लोगों को जदयू के प्रदेश महासचिव जागेश्वर राय के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई ताकि उन्हें कोई परेशानियां नहीं हो। उन्हें गाड़ी पर ही खाने के डब्बे और बोतल बंद पानी का प्रबंध किया गया था। सभी को गाड़ियों पर खाना पानी दिया गया और वह खुशी में झूमते हुए पटना गए। पटना जाने के लिए लोगों में उत्साह और उमंग था। लोगों ने बताया कि जदयू के एकमात्र नेता जागेश्वर राय है जिनके नेतृत्व में वे लोग पटना जा रहे हैं। इधर जागेश्वर राय ने बताया कि वैशाली जिले से हजारों लोग पटना जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यह जयंती शताब्दी समारोह ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के आह्वान पर उनके द्वारा सैकड़ों गाड़ियां वैशाली जिले से पटना के लिए खोली गई। सड़क पर पूरी लाइन लगी है गाड़ियों की जो जा रही है। दिखाते हैं गाड़ियों की लाइन लगी है। ये गाड़ियों की लाइन लगी है, सब जा रही है। जागेश्वर राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महुआ का नेता कैसा हो? जागेश्वर राय कैसा हो? महुआ का नेता कैसा हो? जागेश्वर राय कैसा हो? साहब छवि का नेता कैसा हो? साहब छवि का नेता कैसा हो? जागेश्वर राय कैसा हो? जागेश्वर राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जागेश्वर राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर थोड़ा आज के कार्यक्रम में बताइए क्या कार्यक्रम है और कहाँ लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ खुली हैं? हम लोग के यहाँ से महुआ विधानसभा से लगभग 5,500 आदमी जाएगा और 100 गाड़ी से ज़्यादा बस खुली है, उसके बाद छोटी गाड़ी खुली है। गाड़ी आगे भी बड़ी है, पीछे भी है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लगी हुई है। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह आज वेटनरी कॉलेज पटना में आयोजित है, इसके मुख्यमंत्री अगुवाई कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। करीब करीब पटना 400,000 आदमी जाने की उम्मीद है। अच्छा, तो क्या इतने ठंड में भी लोग जा रहे हैं? हाँ, 50,000-60,000 तो कल सुबह में चला गया था, रात में करीब 1.5 लाख आदमी वहाँ पहुँचा हुआ है, जो विभिन्न स्थानों पर कैंप कर करके वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, खाने का, सोने का, बिछावन का, और सब लोग वहाँ पहुँचे। सब लोग को जो जा रहा है, सब लोग कहीं से देख रहे हैं कि नाश्ता भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है कि बराबर नाश्ता पानी मिनरल वाटर सब लोग रख दिया गया है। गाड़ी में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं होगा, आने जाने का पूरा सुविधा है, कोई प्रॉब्लम। अपना नाम आप पता सर बता दीजिए। पूरा जान रहे हैं ना, मेरा नाम देख सब देख रहे हैं ना।